भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अजमेर की पदाधिकारियों ने आज प्रदेश में बढ़ रहे महिला अत्याचार और अपराध को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शहर देहात भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री भी मौजूद रहे, जिन्होंने डाक बंगले से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट के चैम्बर के बाहर धरना देकर अपना गुस्सा जाहिर किया। महिला पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और लगातार गुंडा राज बढ़ रहा है। ऐसे में गृह मंत्री इन सब के लिए जिम्मेदार है, उसका कार्यभार मुख्यमंत्री ने खुद संभाल रखा है, जिसके कारण लगातार राजस्थान में महिला अत्याचार और अपराध बढ़ रहे हैं। इन सभी पर अंकुश लगाने के लिए आज ज्ञापन सौंपा गया है। अगर जल्द इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो फिर बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर उतरेगी और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज अजमेर देहात और शहर का यहाँ पर महिला मोर्चा प्रदर्शन करने आया है, यहाँ पर ज्ञापन देने आया है कलेक्टर साहब को। जिस तरीके से राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं और 6 महीने के अंदर अंदर ही 30% जो दुष्कर्म के मामले एकदम से बढ़े हैं, इस तरीके से साफ जाहिर होता है कि इस सरकार में महिलाओं को अनदेखी की जा रही है। आज की तारीख में आधी आबादी है महिलाओं की, उनके साथ ये अत्याचार हो रहा है। आम जनता त्राहिमान हो रखी है, एक दलित के साथ पेड़ पर बांधकर पीटा जाता है और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। महिला जनप्रतिनिधि के ऊपर हमला होता है, जब महिला जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित होगी, आप जान लीजिए। यहाँ पर हमारा अनदेखा किया गया, हम कलेक्टर साहब से समय लेकर यहाँ पर आए थे, हमें कलेक्टर साहब यहाँ नहीं मिले। ADM को भेज दिया गया कि हम VC में व्यस्त हैं, आप ज्ञापन ले लीजिए। तो इससे पता चलता है कि हेलो, सरकार के पास टाइम नहीं है, वो अपने महलों में व्यस्त हैं। और मैं कहती हूँ ऐसी सरकार को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और आराम करना चाहिए महलों में। आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने जिलाधीश महोदय को आए थे महिला मोर्चा की तरफ से, और देहात और शहर दोनों ने दिया था। जिस तरह आप देख रहे हैं कि आज जब से सरकार कांग्रेस की आई है, गहलोत सरकार ने अति रख रखी है। आज जयपुर, भीलवाड़ा और अभी आप देख रहे हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ करते इस तरह के घटते रहते हैं। महिलाएं बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुकी हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से कह देना चाहती हूँ, आज इतने पेंडिंग केस पड़े हैं, कई महिलाएं तो थाने चौकी तक पहुँच भी नहीं पाती हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जब वो किसी से लिफ्ट मांगती हैं या कोई तरह का कहीं जाने के लिए गाड़ी करती हैं तो उनके संग उस गाड़ी में भी, मतलब वैन में भी, जैसे आपने जयपुर में देखा था, वैन में भी वो सुरक्षित नहीं थी, उसके साथ भी उसने बलात्कार कर दिया गया था। ऐसे जो ग्रोह बन गए हैं और इस तरह का गुंडा राज जो राजस्थान में चल गया है, मेरी बहनों, अगर आज आप नहीं जागोगी, उस सरकार को नहीं लाओगी, तो आने वाला राजस्थान ही गुंडा राज बन जाएगा। ऐसी गहलोत सरकार को हटा देना चाहिए, जो गृह मंत्रालय अपनी जेब में रखे हुए और यहाँ के प्रशासन को संभाल नहीं पा रहे, उनको खुद को फुर्सत नहीं है महिलाओं के लिए कि उनकी कोई भी सुनवाई करें। तो इस चीज़ को लेकर हमने आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है, भारतीय श्रीवास्तव शहर जिला मंत्री। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV News, सच्चाई की वापसी।